Rolling in. Sound check. Sound checking in. Check. So it's an Olympia talk here. Olympia talk. Two dudes here talking about Olympia. Very excited, bhai. Yeah. Very excited. For the Mr. Olympia. Yeah. Not just Mr. Olympia, but the men's physique division of Mr. Yes. Olympia. The most competitive ever. Most competitive, most excited. I mean, I think I'll be getting a $75 pass just to see the Mr. Olympia men's physique division this time. It's worth it. लाइव स्ट्रीम करना चाहिए क्या अपने चैनल पे डायरेक्टली? स्ट्रीम तो करना चाहिए, काफी मजा आएगा देखने में. लाइव स्ट्रीम करते हैं, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करते हैं भाई. और मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ द कैमरा टू टॉक अबाउट हु वी थिंक, I mean, we definitely are no जो रोज बात कर रहे हैं हम लोग, जो मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बहुत शाने लग के गए कि हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे अपने, बट जस्ट जनरल प्रेडिक्शन लाइक एवरीबॉडी डज राइट. सब लोग तो प्रेडिक्ट करते हैं ना अपने साइड से कि भाई मेरे को लगता है ये जीतेगा, मेरे को लगता है वो जीतेगा, तो हम लोग को भी लगता है ना कोई जीतेगा. तो इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कि स्पेसिफिकली मेरे को ऐसा लगता है कि ये बंदा ही जीतेगा या वो बंदा ही जीतेगा, पर जैसा लास्ट ईयर का टॉप 10 लाइनअप था उसके हिसाब से और पिछले 4-5 साल के प्रेडिक्शन, मतलब 4-5 साल के अगर हम लोग देखेंगे जो ओलंपियाज हुए हैं, तो उसके हिसाब से तेरे को क्या लगता है कि कौन 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 जीतेगा या कौन जीतना चाहिए? तीन चार मैंने बोलूंगा कौन जीतना चाहिए नहीं, कौन जीत सकता है. आई मीन जस्ट देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड दैट. ओके, नॉट जस्ट बिकॉज जेरेमी इज माय फेवरेट तो मेरे को लगता है जेरेमी जीतेगा भाई, ऐसा नहीं. वो तो सबको चाहिए जेरेमी जीतना क्योंकि उसका 5th टाइटल होगा ये. तो लाइक मेरे को लगता है बहुत सारे एथलीट है, जेरेमी विंडिया, ब्रेंडन हेंडरसन, एरन बैंक्स, कैरन होल्डिंग, काफी लोग आ रहे हैं इस टाइम. देख सब टॉप है, सबका बेस्ट. तो जेरेमी को छोड़ के बाकी सब लोग खेले थे, ठीक है. या उसमें से कौन जीतेगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ये साल का जस्टिफिकेशन कौन सी चीज के बेस पे होगा. अभी देख मैं बोलता हूँ, जैसे अभी लास्ट 2022 अभी रिसेंटली कौन सा लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, लीजन फूड फेस्टिवल, लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल हारा ना उसमें, एरन बैंक्स हारा, एरन बैंक्स को हराया कैरन होल्डन ने, होल्डन ने हराया. हाँ. तो अब अगर देखेंगे लास्ट टाइम का, लास्ट टाइम का ओलंपिया एरन बैंक्स जीता. हाँ. अगर वो एक छोटा कंपटीशन हारने के बाद वापस नेक्स्ट टाइम ओलंपिया में आ रहा है तो उसकी खुद की रेपुटेशन ओलंपिया के पर्सपेक्टिव से तो पहले ड्रॉप हो गिरेगी. हाँ, मतलब वही उसका एक सेल्फ एस्टीम लो हो गया कि मैं कहता हरा एक लोकल. अब ये तो उसका और ये चीज है कि उसने पोस्ट में ना सबको ये कर रहा था कि एनीवन कैन कम एंड लाइक टेक द सेकंड प्लेस. Obviously, definitely, that is Aaron Banks, that is the reason I love him. I'm not a hater. हाँ. Aaron Banks मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत रूड है. रूड है और मतलब वो पूरा एक पाइल अप रखता है कि ये आना है भाई. हाँ. And मैं आ रहा हूँ. That is coming. His fuel, right? I mean, Aaron Banks का वो फ्यूल ही है. उसको वो रेज चाहिए. चाहिए. वो उसी के बेसिस पे वो मतलब ना और बेटर परफॉर्म करता है. अभी कौन था जो Aaron Banks जैसा सिमिलर फिजिक था यार उसका, बंदे का कोरी मॉरिस भाई, बंदा ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिक में, बस थोड़ा सा सॉफ्ट. सॉफ्ट मेरे को सॉफ्ट नहीं बोल सकते है. मेरे को थोड़ा साइज कम था उससे. एस्थेटिक तो बेस्ट. मेरे को फ्रंट से बोल रहा हूं सॉफ्ट, थोड़ा पीछे से थोड़ा सॉफ्ट था पर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा था. ऑलमोस्ट सेम भाई, बैक वैक सब कुछ इतनी ब्रॉड और शायद से जीत भी सकता था वो कोरी मॉरिस. पर वो 5th-6th प्लेस आया, 7th-8th प्लेस आया, मतलब बहुत पीछे प्लेसिंग था उसका. उसने लास्ट रायन टेरी को उड़ाया था. रायन टेरी तो टॉप 5 था ना. ना रायन टेरी 7th-8th था ना. अच्छा दो. हाँ दोनों को आगे पीछे आया था कैसे. आया तो. और इस बार भाई मेरे को लगता है रायन टेरी भी ऊपर आएगा, ऐसा मेरे को फीलिंग है. रायन टेरी भी ऊपर आएगा. रायन टेरी का लेटेस्ट फिजिक अपडेट देखा हो? हाँ, वो एक ही तो डाला उसने, एक ही डाला. मतलब वो लास्ट वीक ने दो तीन पोस्ट डाला आई गेस. तो उसमें बहुत खतरनाक दिख रहा है. उसने एक अपडेट डाला भाई, साइज लग रही है. सबसे पहले तो साइज लग रही है. कंडीशन उसका ऑब्लिक्स अलग से दिख रहा है. जो वो तो ऑब्वियसली दिखता था भाई. ही वाज द पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन जो भाई एकदम मशीन एब्स लेके बैठा. हां हां हां. एंड एक ही चीज वो मेरे को लगता है लैक करता था. ऑब्वियसली द हाइट इज अ जेनेटिक फैक्टर, दैट इज अनदर फैक्टर. पर फर्क नहीं पड़ता ना, साइज फिजिक का साइज लैक करता था. और मेरे को अभी ये देखना है ना, उसको लेके मैं एक्साइटेड इसलिए ना कि अब साइज लेके भी आने के बाद वो कैसा क्या अचीव करता है. बिकॉज आई थिंक प्लेसिंग आती है. आई थिंक कि वो टॉप 5 में आ सकता है और आना चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है रायन टेरी शुड बी द वन अमंग द टॉप 5. हो सकता है. आना चाहिए. टॉप 3 तो मैं बोलता हूं, मेरे को टॉप 3 में मेरे को ये फिक्स लग रहे. एक तो कैरन होल्डन या फिर एरन बैंक्स, ये दोनों में से एक. ब्रेंडन हेंडरसन ओके. और जेरेमी विंडिया 100% टॉप 3 में होना चाहिए. वो अभी तक जाबा देख रहा है. अब स्टेज पे नहीं पता कैसा फिजिक आता है उसका. मेरे को मैं टॉप 3 तो घंटा नहीं बता सकता भाई. मतलब टॉप 3 बताना सब टॉप बेस में. तो वही ना, इससे देखने मजा आएगा. मैं तो बता रहा बोल रहा हूं क्यों नहीं.
अभी एरिन बैंक्स और हेंड्रिक्सन में बोलेंगे तो हेंड्रिक्सन लास्ट ईयर भी अच्छी फिजिक लेके आया था. द ओनली रीजन हेंड्रिक्सन लॉस्ट टू एरिन बैंक्स आई थिंक वॉज बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट एंड हेंड्रिक्सन से एक अलग आई कैन नॉट से हेंड्रिक्सन से बेटर फिजिक था उसका बट इट वाज अ लिटिल डिफरेंट फिजिक. या डिफरेंट फिजिक एंड एट अ सेम लेवल. और अगर जज का चॉइस है उस दिन उसको क्या चाहिए. And not just us din, they were preferring something different or something better from Hendrickson and what? Yep. That is what Aaron Banks gave them. मतलब वो okay. तीन बार title जीता. Aaron Banks first नहीं आ रहा है ना? हाँ. तो Aaron Banks first नहीं आ रहा तो Hendrickson भी first नहीं आएगा. That is for sure. अब वो नहीं पता. I mean if you think about the last year का scenario, तो Hendrick Aaron Banks अपने best physique में रहेगा. जो last year physique में था वो उस आना चाहिए आना चाहिए उसने आना चाहिए. तो उतने तो physique पे रहेगा ही वो. उतने या उससे better physique पे रहेगा. Hendrickson मेरे को लगता है तभी आ सकता है ना भाई जब वो पता नहीं मतलब क्या बोलूं मैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स फिजिक जो सोचा ही नहीं होगा किसी ने अब कि हेंड्रिक्सन भी ऐसा कर सकता है वो फिजिक बिकॉज़ ही इज द बेस्ट. उसके बाद भी वो कुछ ऐसा जर्मी विंड है कि उसने एक बार हराया था उसके बाद लाइक जर्मी ने छोड़ दिया ना उसके बाद ही वाज द वन हु डिफीटेड आई मीन डिथ्रोन्ड उसके बाद उसके बाद तो और उसके बाद ऑब्वियसली उसने तो इंजरीज तीन टाइटल जीता ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने. फिर तो अगर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जीता नहीं अगर नहीं जीता एरिन बैंक्स जीता ये दोनों में अगर फर्स्ट नहीं आ रहा ना कोई तो सेकंड दोनों में से कोई सेकंड हो सकता है. सेकंड तो 100% सेकंड या थर्ड मैं बोल सकता हूँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना ये दोनों में से कोई सेकंड या थर्ड आ सकता है. पर अभी काइरन भी आया ना ये मेरे को लग रहा है टॉप थ्री में आ सकता है. मेरे को ये लग रहा है काइरन फिफ्थ या फोर्थ मेरे को फीलिंग आता पता नहीं क्यों. देयर इज ओनली रीजन बीइंग क्यों ना उसका फिजिक ना थोड़ा म्यूटेंट फिजिक लगता है मेरे को पता बहुत अच्छा बड़ा फिजिक है वो तो इस साल वो खेलने नहीं वाला था मेंस फिजिक उसका प्लान नहीं था वो क्लासिक फिजिक में शिफ्ट करने वाला था. वो लीजन के लाइक एक दो हफ्ते पहले उसने डाला कि लाइक वो भी खेल रहा है उसका ये नहीं था वो क्लासिक फिजिक खेलने वाला था. एक और रीजन ये लगता है ना वो नहीं जीतने का ठीक है जीते आई एम नॉट टेलिंग ही इज नॉट दैट टॉप नॉच फिजिक वाला बंदा ही इज वेरी गुड कंप्लीट फिजिक ही इज अ कंप्लीट फिजिक पर्सन बट वो जो चेस्ट का स्ट्रक्चर चाहिए था ना इसके लिए मैंने चेस्ट के पर्सपेक्टिव से मैंने पर्सनली देखा ही इज ह्यूज ही काफी ह्यूज है लुक्स लाइक ही इज यू नो क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर बोल सकता है. यस ही इज अ क्लासिक फिजिक पर्सन. आई मीन वो जो शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं पर साथ साथ चेस्ट और शोल्डर्स के रेशियो देखने का देख सकता है भाई ये क्लासिक खेलेगा ना बहुत अच्छा काइंड ऑफ दैट नेक्स्ट ईयर से क्लासिक खेलेगा आई गेस मोस्टली बट डोंट यू थिंक ही इज वे टू अर्ली फॉर क्लासिक. I mean, वो जल्दी बन गया क्लासिक के पर वो मेंस फिजिक में भी नहीं अभी तो उसको शिफ्ट करना है तो right. और गेन करेगा साइज वो अभी एक साल लेगा नेक्स्ट ईयर कर सकता है वो. अब अगर वो क्लासिक में चला गया डेफिनेटली क्लासिक में जाएगा ऑब्वियसली यस उसके लेग्स भी काफी सही है. काइरन के लेग्स बहुत अच्छे डेवलप्ड है अच्छे सारे एथलीट्स के मतलब हाँ साइज भी अच्छा है उसका मतलब कंप्लीट ऐसा लगता है ना जो एक्स फ्रेम आता है जो क्लासिक फिजिक के लिए अभी लास्ट ईयर से कौन था बंदा यार एक और डियागो मोंटेनेगर नो नॉट डियागो डियागो इज आल्सो ब्राजीलियन राइट यस डियागो ने दूसरा एक और था नॉट डियागो ही वाज आल्सो पल्मेरा एडविन पल्मेरा हां भाई वो भी सेक्सी फिजिक है पर मेरे को लगता है वो पता ना थोड़ा सा टॉप 10 में आएगा वो टॉप 5 था लास्ट ईयर. हां मतलब टॉप 10 के अंदर मैं बोला टॉप 10 में बहुत सारे एथलीट आएंगे क्योंकि अभी इस टाइम एथलीट ऐड हो रहे हैं ना जर्मनी नहीं था इतने टाइम सबका एक एक पेस हट रहा है. मैं बोल रहा हूं लास्ट टाइम अली बिलाल वाज इन टॉप 10 अली बिलाल 10th पे था ना हाँ 10th या 9th पे था 9th प्लेस था हाँ तो वो इस टाइम तो फिर उसने लास्ट टाइम वो 9th पे था मेरे को लगता है इस बार भी 9th या 10th प्लेसिंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी शायद आई गेस क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने प्रो शो खेले थे जितने भी शो खेले थे सब शो जीता था वो शेड्यूल क्लासिक इटली का दो तीन शो जीता वो और दिस क्या अर्नोल्ड क्लासिक भी जीता था वो एमेचर वाला इस बार बहुत क्रिटिकल है भाई वही तो है पॉइंट इज कंपटीशन और इस टाइम ज्यादा हाइप बन गया क्योंकि जर्मी का कमबैक है और वो जीता था फिफ्थ प्लेस और जर्मी का कमबैक मतलब ये रायन टेरी के लिए भी एक फ्यूल है क्योंकि भाई उसके टाइम के एथलीट्स वो लोग सब जब मेरे को लगता है जब जर्मी फर्स्ट आया था उसका फर्स्ट टाइम था मेरे को जर्मी फर्स्ट ओलंपिया बना था टाइम पे आई गेस रायन टेरी वॉज थर्ड और फोर्थ ओके नहीं मेरे को तब हाँ थर्ड या फोर्थ आया था उसके शायद आई गेस वो फर्स्ट जर्मी का फर्स्ट ओलंपिया का टाइटल था उस वो टाइम पे वो एक एथलीट था उसका नाम क्या है जो क्लासिक फिजिक भी खेला है सैडिक सैडिक भाई सेक्सी फिजिक था उसका भी एक टाइम पे तो सेक्सी फिजिक वो मतलब उसने छोड़ दिया पर अभी भी है अच्छा अभी भी अच्छा वो जिसके उसके एज पे देखेंगे अपन काफी अच्छा फिजिक है उसका सैडिक ही इज गुड
और मेरे को ऐसा मतलब मेरे मेरे काउंटिंग में मेरे को ऐसा लगता है ना टॉप फाइव मेरा मेरा प्रेफरेंस. देख अभी हम लोग ये जज करते हैं कि आफ्टर आपका प्रेफरेंस आफ्टर द रिजल्ट्स जो क्लोज रहेगा दोनों में ठीक है जिसका सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन रहेगा ना हाँ. वो जीता और जो हारा उसको कुछ तो देना पड़ेगा. देखते करते करते हाँ क्या हाँ टॉप फाइव ना टॉप फाइव प्रेडिक्शन ठीक है. आई आई कैन नॉट से फर्स्ट ये सेकंड ये पर मैं टॉप फाइव के पांच लोग बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से. हाँ मतलब टॉप फाइव कैसा भी टॉप फाइव किए टॉप फाइव रायन टेरी इज मेरे हिसाब से फिक्स्ड. आई मीन फिफ्थ मेरे को चाहिए कि फोर्थ फिफ्थ आए वो. नेक्स्ट इज एरन बैंक्स इज डेफिनेटली इन टॉप फाइव में. जेरेमी इज फिक्स्ड टॉप फाइव में. तीन हो गए मेरे. काइरन फक डूड इट्स वेंचर डिफिकल्ट. देख मेरे को जज का भी ये होने वाला ना कि किसको जिताना है. हाँ मेरे को लगता है देख एडवान मेरे को नहीं लगता आएगा. मेरे को नहीं लगता आएगा क्योंकि मेरे को लगता है वो 60 या 70 जाएगा. फिजिक अपडेट डाला उसने पर मैं देखा नहीं. वो थोड़ा ना मेरे को बहुत ज्यादा मतलब बोलते अच्छी फिजिक है पर ज्यादा हार्ड. वो ज्यादा हार्ड होने के बाद ना वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है. हाँ मतलब वो मेंस फिजिकल जो चाहिए एस्थेटिक्स वो नहीं दिखता. नहीं दिखता है वो जो मेरे को एरन बैंक्स का दिखता है उसके पास. साइड आई गेस सबसे लाइक टॉलेस्ट मेंस फिजिक ओलंपियन है वो. लाइक मिस्टर ओलंपिया गलती से भी नहीं आएगा. डियागो मेरे को लगता है टॉप फाइव में आएगा. ओके आ भी सकता है. शोल्डर्स उसके बहुत सेक्सी है. यस काफी अच्छा है उसका कोर सेशन भी. कोर उसका कोर अच्छा है पर वो क्या है पता क्या बहुत बेसिक है. ये जो चीज अपन एरन बैंक्स में देखते हैं ये जो चीज अपन इसमें रायन टेरी में देखते हैं हेंडरसन में देखते हैं बड़े दिखते हैं उनके. जेरेमी इज लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. मतलब वो तो अजीब है भाई. अलग ही स्ट्रक्चर है. अलग ही स्ट्रक्चर क्या मतलब क्योंकि उसने काइरन को क्योंकि उसने इसको हराया लाइक एरन बैंक्स को हराया. लकी लिब्रा इसके बारे में क्या है वो लाइक टॉप 10 में आएगा कि नहीं. लकी लिब्रा फक लकी लिब्रा के बारे में नहीं. लकी लिब्रा सी दैट इज द थिंग इफ लकी लिब्रा कम्स इन टॉप 10 तो डेफिनेटली अली बिलाल इज आउट. या नहीं पर दोस फिजिक्स वो तो गारंटेड टॉप 10 में तो गारंटेड है भाई वो. आई कैन आई थिंक ही कैन बी द 6th और 7th वन आई गेस. लकी लिब्रा या हां लाइक कितने साल से कर रहा है वो. भाई ये मेरे पांच है तेरे पांच है. मेरे पांच कौन से हो गए. मेरे पांच हो गए जेरेमी हेंड्रिक्सन. जेरेमी हेंड्रिक्सन बैंक्स एरन बैंक्स किसको बोला होल्डन. होल्डन एडविन टेरी बोला रायन टेरी. हाँ मैं एक मेरा रायन टेरी भी है. तो तेरे छह हो गए भाई. नहीं मेरा पांच मतलब हाँ ठीक है. मैं काइरन को हटा के रायन टेरी को कर सकता हूँ. मैं वो काइरन का मेरे को नहीं लाइक टॉप 10 में आ सकता है वो जो कि आता है पर टॉप फाइव मैं काइरन को टॉप फाइव में टॉप फाइव में रख रहा हूँ भाई. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं भी यार पता नहीं मेरे को क्यों समझ क्योंकि में नहीं आ रहा. क्योंकि जो शो खेला था उसने लीजेंड फेस्टिवल उसमें तीन बड़े एथलीट थे. मतलब बहुत सारे थे ऐसे नहीं कि तीन थे. पर ये कि तीन सबको पता कि एकदम इनका हाइप था कि एक लकी लिब्रा एरन बैंक्स और काइरन होल्डन. काइरन होल्डन काइरन होल्डन लीजेंड फेस्टिवल हर साल वो जीत रहा है. तीन साल से जीत रहा है गाइस. तो वो लीजेंड फेस्टिवल उसका है ठीक है. वो आ रहा है जीत के. उसने बताया नहीं अनाउंस नहीं किया कुछ. वो खेला हुआ था अचानक. ओके वो नहीं खेलने वाला था. खेला जीता वापस जीत. और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो जीत रहा था. क्लियर दिख रहा है पूरे वीडियो देखो
तो उसमें दिख रहा है कि वो जीत रहा है. एरन बैंक सॉफ्ट पड़ गया था, दिख रहा था सॉफ्ट उसके सामने. पर इसका मतलब ये नहीं ना, वो भाई वो ओलंपिया के लिए खतरनाक प्लेयर है. हां तो वही ओलंपिक, उसका मेन गोल तो ओलंपिया है, वो तो बस खेल रहा है अभी. तो उसने कॉल आउट किया था लकी इब्रा को, उनका बीफ चल रहा था कि, तो उसने कॉल आउट किया कि किसको भी कोई भी आ जाओ कोई अभी. इसका जैसे सबको बताया एरन बैंक्स का कि सबसे रूड बात कर रहा है सबके साथ, जेरेमी का झगड़ा हुआ उसका, कुछ ना कुछ बीफ चल रहा है उनके सबके साथ. तो वही वो आया, वो सबको कॉल आउट कर रहा था कि कोई भी आके हराओ मेरे को इधर. तो उसका एक बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि उसका एक ईगो था वो खत्म हो गया एरन बैंक्स का. एरन बैंक्स ने हाँ, उसने तो तभी उसने खुद के इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाया था पोस्ट कि उसने, उसका सब पोस्ट हुआ था कि आ जाओ लीजेंड में मेरे को हराओ, उड़ा दिया उसको. और अभी उसका वही है ना, अभी उसने एक भी फिजिकल अपडेट नहीं डाला, और कल या परसों से डाला एक लेग्स का अपडेट डाला उसने, बस हैमस्ट्रिंग दिखा रहा है उसमें. वो आएगा भाई, पर वो खतरनाक वही अभी उसको वो नहीं करना उसको, लाइक बहुत लोग ने बोला रहेगा अभी कि उसने हर गया वो जैसे लीजन, तो लोगों ने बोला कि अरे क्या ये तो चल गया खत्म हो गया. इसको अपडेट डाल रहा है कोरी मॉरिस का. कोरी मॉरिस तो है, मतलब मेरे को इम्प्रूव लग रहा है, वो इम्प्रूव लग रहा है, पर पता नहीं सकते क्या प्रेसिंग आएगा, क्योंकि सब सबका ही होता है, पर शो के दिन सब अलग दिखते हैं. कोरिमॉरिस है उधर 100%, उधर डाउटेडली अनडाउटेडली हाँ कोरिमॉरिस तो है ही 6-7 प्लेसिंग से आसपास. लकी लिब्रा भी उधर ही, लकी लिब्रा भी उधर ही सेट हो रहा है फिर. अरे भाई एक और एक और एक और एक और, आई एम सॉरी, चल ये टॉप 6 टू 10 का हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, टॉप 10 ही बात कर सकते, टॉप 10 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कर सकते राइट. देख अगर टॉप 5 अपना रॉन्ग हो रहा है ना, तो बाकी 6 टू 10 का मतलब ही नहीं बात करके राइट. भुवन का किधर प्लेसमेंट लग रहा है, क्या लगता है भुवन का प्लेसिंग कहाँ पे आएगा? सी ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स, आई मीन डेफिनेटली ओनली वन फ्रॉम इंडिया. तो लाइक वो रेस्पेक्ट है उसको एक कि इंडिया से अकेला ओलंपियन आ जाएंगे, मतलब कमिंग टाइम से बहुत सारे लोग आएंगे इंडिया में, काफी ज्यादा एथलीट्स है. एक लास्ट टाइम की बात है, 2021 प्लेसिंग आई थी उसकी लास्ट टाइम, तो लास्ट कॉल आउट नहीं, लास्ट टू लास्ट 2019 में पता नहीं, बस मैं एम कर रहा हूँ आना चाहिए, अकेला इंडियन है तो चाहिए कि आना तो चाहिए. बट इफ यू सी द रियलिटी, आई मीन ऑल दोज एथलीट्स जो बाकी एथलीट्स हैं भाई वहां पे, सी इट्स अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी आर्म क्लासिक में बोलेंगे तो अ सेट ऑफ पीपल कम इन देयर. तो आई एम नॉट सेइंग कि भुवन के साइड कोई बायसनेस होता होगा, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि होता होगा, नहीं होता होगा, बट देर इज समथिंग आई फील कि एक होता है कि इफ अ पर्सन हु इज बीन प्लेइंग और हु इज बीन इंटरेक्टिंग विद द पीपल अराउंड, तो उसके साइड ना इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, होता है, होता है, एंड दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट वाइल जजिंग. बिकॉज वो पर्सपेक्टिव, वो नजरिया बदलता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अभी भी कि उसको लेके कोई बायस डिसीजन हो सकता है. भुवन का लेटेस्ट अपडेट देखा होगा, लेटेस्ट अपडेट देखा तो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले साल से भी बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले साल से अच्छा लग रहा है. पिछले साल तो शायद से थोड़ा बीमार वगैरह हो गया था लास्ट, पिछले साल ज्यादा अच्छा था और पिछले साल थोड़ा ब्लोटेड लग रहा था. ये साल पर अभी उसने जो 2019 से अभी देखेंगे उसने काफी साइज ऐड किया, बहुत अच्छा साइज ऐड किया, मतलब मैं बोलूंगा मेरे को मसल मास, प्योर मसल मास से कम अच्छा उसका रहता था कोर, जो अभी अच्छा लग रहा है, अभी काफी अच्छा लग रहा है. उसके लाइक कैविकल बोन्स इतने बड़े, लाइक शोल्डर उसका जो वी टेपर आता है, क्या पता शायद टॉप 10 में भी आ जाए, बोल नहीं सकते टॉप 10 तो नहीं, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है ऑन द डे, हो सकता है क्योंकि ये इतना अपडेट डाल नहीं रहा, उसने डाला एक अपडेट, कुछ भी हो सकता है. अगर समझो लाइक जज को चाहिए एस्थेटिक्स और ये भुवन चौहान का सबसे बढ़िया चीज है, तो अब इसको दे रहे कि प्रेफरेंस दे सकते हैं ना आप जज के ऊपर है कि उसको लाना है टॉप 10 टॉप 12 में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आ सकता है भाई. अगर आया ना फिर तो अली बिलाल का तो हो जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा मतलब उनका बीफ है ना हल्का सा, उनका बीफ भी चलता है, फिर वो साथ में भी रहते हैं, right. मतलब समझो अभी कॉम्पिटिशन खेलना है तो अच्छे से बात भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब उनका दोनों एक दूसरे का डिप्लोमेटिक वे में रहता है या फिर दे जस्ट डू इट फॉर फन एंटरटेनमेंट, ऐसा भी करते रहेंगे, वो करते होंगे क्या बोल नहीं सकते, पर क्योंकि लोग क्यों करते हैं, क्योंकि लोग उनको कंपेयर करते हैं, तो फिर वो होता है ना कि लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको. नाउ इफ यू थिंक इन इंडिया, हाँ, who is your favorite athlete and you think, not just your favorite athlete, you think deserves to go or deserves to काफी, what do you call it, olympia, to stand on that olympia stage, काफी just one, give me one name, one name क्या चीज में चाहिए, मतलब like ओलंपिया स्टेज थोड़ा हर चीज में कम है, ओलंपिया मतलब कंपेयर उधर कंपेयर कर रहा हूं मैं, उधर आज काफी है, राजा अजीत है
साइज लाना पड़ेगा वो काफी, मतलब उसके ऐसा मेरे को लगता है कंडीशन कोई नहीं लाता था राजा अजीत, अब वो इम्प्रूव बहुत इम्प्रूव कर रहा है जैसे, मतलब उसको हर साल देख रहे इम्प्रूव हो रहा है। जिजो जॉन वो जीता इस साल प्रोकार्ड जीता वो लास्ट ईयर दिल्ली में जीता प्रोकार्ड, अब उसका ऑफ सीजन अपडेट देखो। वो अनिक घोष तो उससे अच्छा है, फिर अनिक घोष अच्छा है पर फिर भी हाँ वो अच्छा है, उसका उनका कोच है जो उसको कोच कर रहा था, अब वो अभिषेक यादव को भी वही कोच कर रहा है। राइट, अभिषेक यादव को डेल्टा दिलीप उसका कोच एक ही है राइट ना, हाँ तो फिर वही कोच अभिषेक यादव उसके आते और फिर वही मेरे को काफी है पता नहीं। जिजुआन मेरे को बेस्ट लगता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है उसको देख के, लाइक आई मीन सही फिजिक है। आई मीन सी इट्स लाइक देयर आर लाइक बहुत मल्टीपल एथलीट्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट भी जो हमको ना मतलब वो ओलंपियंस टॉप फाइव में अगर हम लोग कंपेयर करें ना उनको, तो हम लोग शायद वहां पर रख सकते हैं, पर उनसे बेटर हमको एज अ पर्सन हम लोग उनको सोचते हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया उनकी जर्नी शायद इंस्पायरिंग रहेगी हमारे लिए, और वहां पे तो भाई इंटरनेशनल कोचेस तो ऐसे बैठे हुए हैं जो 10-10, 15-15 साल से बेस्ट एथलीट्स देते आ रहे हैं। तो देयर आर कोचेस हु आर वे सीनियर देन ओमार आल्सो, बट मतलब हां, पर ओमार ना एक पता नहीं है उसका कनेक्शन अच्छा है गाइस उसके क्लाइंट से, मतलब जो भी उसके एथलीट्स है, मे बी दैट इज। हां एंड उसके मतलब ऑब्वियसली यस, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट जीजू जॉन, बस बहुत बहुत चांसेस ले रहा है अपने बेस्ट से बेस्ट आउटकम देने के लिए, तो डेफिनेटली मे बी इन द नियर फ्यूचर ही विल बी द बेस्ट। एक माइंडसेट भी है उसका कि उसको ओलंपिक जाना है, उसने बोला था कि एक इंटरव्यू में कि 2024 तक उसको ओलंपिया जाना है, तो लाइक एक माइंडसेट भी मैटर करता है। एंड ही इज डेफिनेटली वेरी वेरी मच फोकस्ड, राइट, वो लगता है फोकस्ड, बस वो उसके वही उसका एक चीज है, उसको अचीव करना है उस पे फोकस्ड है वो। वो इतना भार वगैरह उसका, अगर उसका देखोगे सोशल मीडिया तो बस जिम, वो कैसा उसका देखा नहीं घूमने जा रहा है, लाइक वो जा रहा है, वो कोरिया गया था शो खेलने, लाइक थोड़ा तो मतलब अब घूमेगा, वो गया है कोरिया गया था, सेकंड प्लेस आया था उसको एमेचर ओलंपिया कोरिया में लास्ट ईयर आई गेस, लास्ट ईयर या सेकंड प्लेस आया था। I mean that is the thing that differentiates you from the other athletes in India, right? I mean mindset. I mean I don't know. I have seen many other athletes जो बस मतलब chill करते, time pass करते, इधर उधर full ये करते, बकचोदी करते भाई। है काफी, मतलब पर वो भी है ना कि वो एक sexy लगता है भाई बंदा, उसका एक चीज इसीलिए अच्छा लगता है। I mean he definitely motivates you by his own actions, appearance and every other thing कि भाई ये चीज के लिए मैं बना हूँ, ये चीज मैं करना है। And if you want to do fitness and bodybuilding, it's not खाऊ, मतलब वो उसके ना बिहेवियर से दिखता है, खाऊ नहीं है भाई, इधर है मेहनत, एंड यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन्ड। वो उसके ना डिसिप्लिन एक एक चीज से दिखता है। आई विल टेल यू, इफ यू सी एवरीबॉडी हूएवर इज प्लेइंग द बिग गेम ओलंपिया और एनी प्रो शो, तुम उनके ना फिजिक, उन लोग के फिटनेस इंस्टाग्राम पेज के ऊपर चले जाओ, उसको ही देखो कितना कैजुअल लगता है बहुत सारे लोगों का, तो इतना कैजुअल लगता है, ये भी है ना कि साला ओलंपियंस है ये लोग या फिर कोई फिजिक खेलते हैं। पर सीन क्या है कि सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, लोग जो देखते वही चाहिए, अभी बहुत कम लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग, व्हाई इज इट ओनली इन इंडिया, कि इंडिया में ही लोग ऐसा सोचते हैं, ऑडियंस दे थिंक, नो नॉट आई डिसएग्री टू दिस कंप्लीटली, क्योंकि देख ऑडियंस का पर्सपेक्टिव सिर्फ नाचने गाने ढिंडोरे पीटने को लेके नहीं है। हां वो भी है, तुम सोचते हो अभी बहुत सारे अपने आसपास के लोग भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट डाल के कुछ नहीं मिलता है, तुमने अच्छे से डाला है क्या वो चीज? तुम उसमें ह्यूमर लाना ना, तुम लोगों तुम उसमें ह्यूमर लाओ, बिकॉज यू थिंक कि वो चीज से ज्यादा करता है योर फिटनेस स्टोरी, वो ये मतलब ट्राई करता है, वो ट्राई करता है। आई विल टेल यू, आई अगेन क्रिटिसाइज सर्टेन वेज, सी एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, आई डोंट से कि मैं उसके पोस्ट पे जाके कुछ बोलूं, डेफिनेटली ही इज डूइंग गुड एंड ही हैज हिज स्टडीज। हम लोग कंटेंट की बात, अभी वो नहीं बात, नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट की बात कर रहा हूं, कंटेंट की बात और पर्सपेक्टिव की बात। उसका पर्सपेक्टिव एक जनरल फिटनेस को लेके ना थोड़ा अलग है, और शायद मेरा पर्सपेक्टिव जनरल फिटनेस को लेके अलग होगा, उस हिसाब से शायद वो सोचता है, लाइक आई डोंट कंसीडर स्मिथ मशीन एज अ प्राइमरी मूवमेंट और एनी अदर थिंग लाइक दैट, बट ही कंसीडर्स इट, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन ऑन इट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, बट सबका चॉइस है, लाइक उसको मतलब लोग हिट एंड ट्रायल करो, अब तुम देख रहे हो तो बस देख रहे हो तो फॉलो मत करो, अब किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो ट्राई करो एक बार वो चीज, राइट, और अल्टरनेटिव भी ट्राई करो कि क्या तुमको सूट कर रहा है। तो मुझे ना मुझे आई लिटरली यूज्ड टू लव हिज कंटेंट अर्लियर, वे अर्लियर व्हेन ही वाज डूइंग सर्टेन थिंग्स, लाइक
लिटरली इन्फॉर्मेशनल थिंग्स, नॉट जस्ट प्रीचिंग पीपल कि यही सही है या यही गलत है. हाँ, like he used to say, yeah, he used to say, आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो. दैट वॉज द पॉइंट व्हेन आई यूज्ड टू लव हिज कंटेंट इन अ वे, एंड मे बी मेनी ऑफ मेनी पीपल यूज्ड टू लव हिज कंटेंट. लाइक आई कैन नॉट से कि वो दूसरा जो टाइप इन के आता है बंदा, भाई मेरे को तो उसका कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं. आई डोंट, आई कैन नॉट, आई मीन व्हाट इज हिज नेम, कशिश गुप्ता. ओके ओके, तो मेरे को तो मतलब पता नहीं कि क्यों, मतलब डेफिनेटली यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल हु आर वेटरन्स इन बॉडी बिल्डिंग एंड एवरी अदर थिंग. मुकेश कैन नॉट से, या उस बंदे को तो तुम बोल ही नहीं सकते गलत है. डेफिनेटली तुम बोल सकते हो भाई उसने किसी को साइकिल लिख के दे दी गलत. तुम अंदर साइंस में मत घुसो भाई, उसने दिए लिख के सामने वाले बंदे को, उसको उसने ट्रायल्स एंड एरर्स कर लिया. वही भाई, तो स्पेलिंग के बेस पे जज नहीं कर सकता सामने बंदे को. भाई तो इसको इसकी स्पेलिंग नहीं आती तो ये गलत ही देता होगा. अरे तूने कभी सोचा है, तूने कभी देखा है कंपाउंड खोल के देखा है कि कैसा होता है कंपाउंड? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन कैसा होता है, तेरे को स्पेलिंग पता है? इंसुलिन की स्पेलिंग ये होती है तो इसको इंसुलिन की स्पेलिंग नहीं आती तो बंदे को कुछ पता ही नहीं होता. ये थोड़ी होता है, उसको एक्सपीरियंस है, कितने साल से कर रहा है वो. फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना इंडिया में बायोमैकेनिक्स का कोर्स करने की बात करते हैं इंसान, कि क्या ही बायोमैकेनिक्स. अरे भाई कॉनर हैरिस के इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखो तुम. कॉनर हैरिस का बायोमैकेनिक्स का कोर्स करा होगा सामने वाले बंदे ने. मैं बोलता हूँ, देखो 100% बोलता हूँ, कॉनर हैरिस और एनी अदर इन्फ्लुएंसर जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बायोमैकेनिक्स के कोर्स वहां तुम उठा लो और उसमें से देखो तुम लोग कि कैसे. आई मीन आई सब बायोमैकेनिक्स पर डिपेंड नहीं करता ना. नो, नॉट एट ऑल भाई, सबका बॉडी अलग होता है. स्पोर्ट्स में बोलूँ, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, पावर लिफ्टिंग की बात करें, तो वो हर एक प्रिंसिपल को डिसोबे कर देता है भाई. हाँ. कोई इंसान को कुछ भी चीज सूट हो सकती है, कुछ भी होता है. बेस ऑफ एडाप्टेशन आल्सो, जैसे कन्वेंशनल सुमो की बात होती है. डेफिनेटली भाई, और नहीं तो क्या. तो वही बात है, मतलब ये सोचती है पर कंटेंट, डेफिनेटली कंटेंट. तो मैं ये बोलूंगा भाई क्रिंज, अभी क्रिंज की भी डेफिनेशन हर एक के लिए अलग होती है, बट कंसिडरिंग अ बॉडी बिल्डर ही कैनॉट बी पोस्टिंग सच कॉन्टेंट की बोल के भाई यार इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट पोस्ट करके कुछ नहीं होता. अरे पोस्ट करना तो तुम कंसिस्टेंटली चालू करो. हाँ, तुमने कभी किया नहीं वो, ये नहीं बोल सकते हो नहीं करना. तुम नहीं करो, तुम्हारी चॉइस है. हाँ. मत करो, ठीक है, इट्स ओके. तुमको लाइफस्टाइल दिखाना अच्छा लाइक चाहिए कि अच्छा लाइफस्टाइल, लोगों को भी अडॉप्ट करना है, कि लोगों नए लोग को भी आना है कि बॉडी बिल्डिंग करना है, तो उनको भी लगना चाहिए अच्छा. एंड हाउ आर दीस अदर क्रिएटर्स ग्रोइंग, हाउ इज ईशान ठाकुर ग्रोइंग? आई मीन आई पर्सनली, इट्स नॉट लाइक आई फील हिज कंटेंट इज एवरेज एंड एवरी अदर थिंग, लाइक नॉर्मल कंटेंट है, एवरेज कंटेंट है, अच्छा. ही नोज हाउ टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इन अ ब्यूटीफुल वे. उसको क्वालिटी पता है. वो आई गेस जब से उसने स्टार्ट किया, मैं उसको बहुत पैसा फॉलो कर, जब वो 10K भी नहीं था. हाँ. वो तब से अच्छे कैमरे से शूट कर रहा है, उसका कंटेंट ना एकदम ऐसा क्वालिटी लगता है देख के. बेसिक होगा, बेसिक फर्क नहीं पड़ता, पर अभी जो उसको देखे भी यंग यही बात है ना, अभी इन लोग को पता है कि कंटेंट कैसा पोस्ट करना है. हुँ. और ये जो बाकी, मतलब आई टेल यू द पीपल हु आर कंपीटिंग राइट एट दिस पॉइंट टाइम, हु आर लाइक इन अर्ली 30s, उन लोग सोचते भाई थोड़ा ह्यूमर वाला कंटेंट डालेंगे ना तो ही ग्रो होता है. भाई ऐसा नहीं है यार. काफी है, अगर एविडेंस है हमारे पास कि भाई ऐसा कंटेंट, फिटनेस का कंटेंट जो लिटरली वो फिजिक एथलीट, फिजिक जिनकी अच्छी फिजिक है उनको डालना ही चाहिए. हाँ, I mean, if they are posting content, I'm telling you, if they are posting content, तो उनको डालना ही चाहिए. Tell people about what is good and what is bad yeah. or what is the way to do this particular thing. Like apna experience share karo. So why are you wasting that particular skill of yours and you're doing anything on Instagram or any social media platform? तुम व्लॉग करना कैसे जानते हो? तुम बोलोगे भाई ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई. I mean this real you can say the new generation influencers, you can say they are posting very good content on Instagram directly. काफी कुछ तो कर रहे तो बस कंटेंट बना के डालो. सबको डालना चाहिए मेरे को लगता है. अरे सिनेमैटिक्स डालो यार. हाँ, तुम कुछ भी करके फालतू गंदा ह्यूमर मत बना के डालो ये बोल के. और क्योंकि उसकी वजह से होता क्या पता, आई डोंट क्रिटिसाइज एनीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से ना पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग चेंजेस जो नए आ रहे हैं वो उनका, मतलब लिटरली बोल लोग सोचते हैं अरे इन लोगों को तो अक्कल ही नहीं होता बॉडी बिल्डर्स. लोग ये सोचना चालू कर देते. पॉइंट इज दैट ये बोलते हैं लोग, एंड सोशल मीडिया में बोलते हैं. या एवरीबॉडी मस्ट थिंक कि भाई वी एज अ बिग टाइम फिटनेस कंटेंडर्स और कंटेस्टेंट्स और एथलीट्स, वी रिप्रेजेंट फिटनेस, वी रिप्रेजेंट दैट बॉडी बिल्डिंग थिंग. And yes, whatever we do is going to influence the whole fitness ka genre, you can say, hai na? Karta hai wo. Us hisab se sochna chahiye. Yes, definitely it influences. So why can't you post something that is really good? Par kaafi log karte bhi hai. Aisa nahi hai. Kaafi log karte hai. Wo kaafi log jo hai na, uska ratio kaafi log nahi karne wale se bahut kam hai. Haan. Getting my point. Kyunki wo cheez ko views nahi aata na zyada. See, it's not like views nahi aata hai. Agar nahi aata na views, to ye do char nahi bol sakte. Kaafi log hai jin logo ko aata hai. Kyun aata hai? Because they are able to express. Yes. And they are always going against the odds ki bhai main ye karunga aur isme hi main acche se karunga. Na ki wo log iske piche jaate hain, are chalo humor karte hain zara. Humor mein to mil hi jayega apne ko thoda views.
मेरे को लगता है जीजू जॉन बिल्कुल नहीं करता ये कुछ चीजें, नहीं करता, एंड ही डजंट इवन केयर अबाउट इट बॉस। यस, उसको उसका गोल है, उसको एक ही गोल है उसका, वो अपने नेसेसिटीज के ऊपर ध्यान दे रहा है। यस यस, आई डेफिनेटली डोंट क्रिटिसाइज एनी, वी आई मीन वी डेफिनेटली डोंट क्रिटिसाइज एनी अदर एथलीट, हम लोग सबको अच्छा ही मानते भाई, मेरे को सभी अच्छे लगते हैं काफी, मेरे को लगता है कि एक टाइम आएगा, आई टेल यू पर्सनली आई लव हिम, काफी अच्छा वो सेकंड प्लेसिंग आया था लास्ट, पसंद है भाई मेरे को, पसंद है वो भी, पसंद है भाई सच में, बहुत पसंद है। तो दीज आर आवर टॉप 5 प्रेडिक्शंस। Yes, अगर टॉप 5 देख, मेरे को तो भाई मेरे को, मैं बोल नहीं सकता, मेरे को ना मेरे को प्रेडिक्ट नहीं करना, मेरे को बस देखना है कि कौन जीता है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई देख अपन ना वो 70-80 डॉलर जो भी है ना, हाँ, भर के अपन उसको लाइव टेलीकास्ट कर। सी, मैंने तो, मैंने अभी तक कोई ओलंपिया ना तो देखना चाहा है कि मैं लाइव देखूं $70 भर के, पर मेरे को ऐसा लग रहा है ये देखना वर्थ इट है भाई, क्योंकि है कॉम्पिटिशन। या डेफिनेटली कॉम्पिटिशन है और सेक्सी होने वाला भाई, मेंस फिजिक किल बेस्ट। And why not be one of those people जो लोग first देख रहे हैं उसको, क्यों ना बने भाई, कर सकते हैं $70 तो भरना भाई, हाँ, and let's do it for the people who are watching us. Yes, yes. और वो चीज हम लोग literally I want it to be on Instagram also. हम लोग Instagram पे भी उसी चीज के ना live update देंगे, live update चाहिए, क्या देख रहे हैं हम, let's do it. कल से चालू हो रहा Olympia fest the भाई, किस दिन Vegas जाएंगे ना फिर देखने के लिए, एक बार तो जाना है, ये चीज तो देखना है एक बार भाई। वेगस इज लाइक ऑन अनदर लेवल, ओके, आई मीन द होल थिंग इज डिफरेंट, प्रवीण अंधवाल प्रोग्राम लेके जाएगा वो भी होगा, पर देखना ना, एक बार देखना, एक बार लाइक की ओलंपिया देखने जा रहे, लेट्स डू इट, मजा आएगा, इसको जाएंगे 100K पे जाएंगे क्या? यस, 100K कराओ और 100K भेजो, 100K पे जाएंगे, चलो लेट्स डू इट भाई। यस यस, स्पॉन्सर मिलना चाहिए, ओलंपिया स्पॉन्सर कर रहे हैं हमको, क्यों नहीं भाई। देख इंडिया में बहुत सारे पेजेस आ चुके हैं अभी जो मतलब 300-400K तक पहुंच चुके हैं भाई, वो लोग भी ऑल अबाउट ओलंपिया, ऑल अबाउट ओलंपिया, ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, यस, बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं इन लोग, लाइक इंडिया में ना इन्होंने बहुत सारा, मेरे को लगता है इतना जितना पहले नहीं था, ये न्यूज चैनल से अपडेट, सबके अपडेट डालते जितने में इंटरनेशनल एथलीट्स है, इंडियन एथलीट्स है, जो नए नए एथलीट्स से ग्रो, काफी हेल्प करते हैं इन लोग ग्रो कराने को, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे को काफी एथलीट मालूम पड़े, अच्छा हो ये नए इंडिया के एथलीट्स है, नए एथलीट्स है जिनके फॉलोअर्स क्या 5-6 हज़ार फॉलोअर्स है, किसको नहीं पता, बहुत कम लोग को पता है उसके स्टेट में पता है, तो ये जो चैनल्स है ऑल ओवर बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर्स, ऑल ओवर ओलंपिया, ये सब ला रहे लोग को, यस लाइमलाइट दे रहे हैं अच्छा खासा। सो No, we'll wrap up this particular session here because classic physics ke upar hum log ek din lenge, matlab let's do it, I mean we'll probably post it just the day after we Olympia. Post our men's physique wala episode, yeah. We'll post just a day after that the classic physique all update, yes, I mean, yes. Because classic physique division is also one of the best divisions we can see this year and uski hype create kari ja rahi hai, Mr. Olympia men's physique ki hype khud ban gayi, क्लासिक फिजिक की हाइट बन गई है पर उस हद तक नहीं बनी, तो मुझे लग रहा है पब्लिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रामो डिनो वर्सेस क्रिस बम्पस्टेड हु विल विन, क्योंकि पता लो इतना जीत रहा है, डोमिनेट कर रहा है, फिबो डोमिनेट कर रहा है, क्रिस बम्पस्टेड नेक्स्ट लेवल पे, उसको मतलब पता लो वो जीत रहा है, उसको भी पता कि वो जीत रहा है, एंड इवन दिस ईयर ही इज गोइंग टू विन, यस, वेरी श्योर अबाउट इट, आई थिंक टाइटल, आई थिंक डिस्कस करना ही उसके ऊपर, वो फिफ्थ टाइटल है ना उसका, डेफिनेटली फिफ्थ टाइटल, अपन बाकी एथलीट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई कोई ओलंपियन का ना कभी था ना कभी है, यस यस यस, ठीक है, रॉनी कोलमैन का है पर वो इसी उम्र जैसा किसी का नहीं है, क्रिस बम्पस्टेड नेक्स्ट लेवल पे, उसके रील अभी जो व्यूज देखे अभी उसका हर एक रील 15-20 मिलियन व्यूज जाता है, नॉर्मल है वो बेसिक, तो सीन उसके ऐसा ना, मतलब अभी कोई भी नॉर्मल जिम गोअर है जो नया नया जिम चालू किया है, जो नया नया जिम चालू किया है, उसको ये पता है कौन है क्रिस बम्पस्टेड, yeah, see it's not just the guys, every girl knows about Chris Bumstead, yes, everyone, and if she doesn't know about him then she's considered inferior, sabko pata hai kyun gym ja rahi hai bhai tu, tere ko Sibam nahi pata, you don't know about the daddy, everyone knows, you don't know who the daddy is, yes sir, huh? So there's no discussion about the classic physique division, I guess, par kar sakte hai episode, like a brief episode on, yes who are your or who are my, we should top 5 Sebastian's favorite top 5 athletes, we can do that, let's do that, yes, Sebastian's favorite top 5, let's go.
अभी आज सेबेस्टियन बैठेगा भाई पूरा बुक निकाल के सबके मिलेंगे. See you. Bye-bye. Tata. Sir. Next time on Crew Chat again. Let's go.